नमस्कार, आप देख रहे हैं के क्या न्यूज। मैं अनुज पाल, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर। जबलपुर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भाजपा संभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाए गए विधानसभा क्लस्टर को लेकर बैठक हुई, जिसमें पोलिंग बूथ मजबूत करने बैठक में मंत्र दिए गए, साथ ही लोकसभा में कार्यकर्ताओं को जुट जाने की बात कही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल के हालातों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात कहते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जिस प्रकार से महिलाओं का दैहिक शोषण हो रहा है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, वहीं वहां की सरकार और उनकी पुलिस सिर्फ सरकार के इशारों पर काम कर रही है। लगातार महिलाओं का शोषण हो रहा है और सरकार चुप्पी साध कर बैठी है। वहीं और क्या कुछ कहा, आइए देखिए। देश के सभी नेता उन क्लस्टरों में जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय नेता अमित भाई भी एक क्लस्टर पे आने वाले हैं एक दिन के लिए, नड्डा जी भी एक दिन के लिए क्लस्टर पे आने वाले हैं। हम लोग यहाँ के अलावा बाहर भी जाने वाले हैं, मैं भी बिहार जाने वाला हूँ, गुजरात जाने वाला हूँ, कोच्ची जाने वाला हूँ। तो ये सब हमारे कुल मिलाकर चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये सारे क्लस्टर के अंदर पोलिंग बूथ को मजबूत करना और पन्ना प्रमुख और पेज प्रमुख की हमारी रचना है वह सार्थक हो, इसके लिए हम लोग प्रवास कर रहे हैं। फिर चुनाव का कार्यालय, चुनाव की सारी व्यवस्थाएं कि एक प्रबंध कमेटी की बैठक है, उसमें चुनाव में किस किस की क्या क्या जवाबदारी है संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की बैठक है। बोलना पड़ेगा, मैं जा रही हूं। जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी मातृ वंदना की बात करते हैं, वहाँ पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और टीएमसी के संगठन में कार्यालय के अंदर महिलाओं का देह शोषण हो रहा है और ये पूरी की पूरी बात आपने कल देखा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा कारंत भी गई थी, उनसे भी महिलाएं मिली, हमारे लोगों से भी महिलाएं मिली है। उनके पास पट्टे हैं पर ज़मीन नहीं है। उनको प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज प्राप्त करने का अधिकार है पर वो अनाज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये अनाज की जो भ्रष्टाचारी हो रही है वहाँ पर, उसके सिलसिले में ईडी गई थी वहाँ पर और ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था। जब हमला होने के बाद कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाने का प्रयास किया तो वहाँ ये सारे राज खुले हैं। मैं संदेश खली 4-5 बार गया हूँ, मुझे वहाँ के प्रशासन ने जाने से मना कर दिया था। ये जो शेख का नाम सामने आ रहा है, हमारी ऐसे बैठक चल रही थी मंडल की और हमारे मंडल के अध्यक्ष को सब कार्यकर्ताओं के सामने कनपटे पर गोली मार के चले गए, कार्यकर्ता की हत्या कर दी और पुलिस ने इनको साल भर तक गिरफ्तार नहीं किया, साल भर तक घूमते रहे। फिर मैंने जाके धरना दिया था तब उन्होंने गिरफ्तारी की औपचारिकता की थी और वो भी अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट लिखी, इनको शंका के आधार पर बरी कर दिया गया। तो वहाँ गुंडे, पुलिस और राजनेताओं का नेक्सस चल रहा है, वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं और महिलाओं की वो दुर्दशा है। शायद मेरा ख्याल है कि अब वो सब लोग जो मोमबत्ती लेके छोटी छोटी घटना के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर आते थे, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि जाके एक बार बंगाल देख कर आए कि क्या इस देश के अंदर, इस देश के ही प्रदेश पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है कि वहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि वहाँ तो अब राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। राज्यपाल उसमें रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट देने के बाद फिर केंद्र सरकार निर्णय करती है और इसलिए हमने कभी धारा 56 का मतलब उपयोग ही नहीं किया आज तक। हम प्रजातंत्र पर विश्वास करते हैं, हम डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं पर वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और इसलिए मैंने कहा कि यह पार्टी की राय नहीं, यह कैलाश विजयवर्गीय की राय है कि वहाँ पर अब तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो महामहिम राज्यपाल जी अगर रिपोर्ट देंगे तो सरकार इसके ऊपर विचार करेगी। वट टू वट आपको बताऊंगा कि ये पेटीकोट छाप नेता राम को क्या लाएंगे जो नीरव मोदी को नहीं ला पाए। अब देखिए, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के नेता सब फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि आने वाला भविष्य हमारा अच्छा नहीं है।
उनके नेता की चमक धमक अब कुछ बची नहीं है, और इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी बोलता है तो दिग्विजय सिंह की दया के पात्र हैं, और इसलिए मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्होंने ये बोला है। कैलाश जी, कमलनाथ जी के अभी कहीं ना कहीं वापस वो पटरी पर हैं, वर्चुअली भी बैठकों से जुड़ने लगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि कमलनाथ जी की हमारी पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए हमने कहा था कि उनके दरवाजे बंद हैं। अब उनकी राहुल गांधी जी की न्याय पार्टी पे जेतु हो रही है, क्या उनको रोका नहीं जा रहा? देखिए, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सरकार ने बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं, पर शायद किसानों के नाम पे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो उनका लक्ष्य आंदोलन करना, यदि समझौता करके किसानों के हित में कोई निर्णय कराना होता तो बहुत अच्छे प्रस्ताव माननीय अर्जुन जी मुंडा ने, माननीय पीयूष जी ने और माननीय नित्यानंद राय जी ने रखे थे, पर वो प्रस्ताव उन्होंने रात में तो सहमति प्रदान की और बोले हम सुबह बताएंगे, और सुबह उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब है कि जो लोग वहाँ बैठते हैं मीटिंग में वो निर्णय नहीं कर रहे, निर्णय कोई और कर रहा है। सर, क्या इस बार जल्दी टिकट घोषित हो जाएंगी लोकसभा की, विधानसभा जैसे? कोशिश हमारी है ये। कि मैं इसके ऊपर क्या टिप्पणी करूं, पर हाँ, कमलनाथ जी जैसे बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही समझदार नेता इस बार कैसे धोखा खा गए हमें भी समझ में नहीं आया। सर, आज आप क्लस्टर बैठक ले रहे हैं, सर, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा पहले हो गई थी, क्या यही उम्मीद हम लोकसभा में भी रखें, और क्या नामों को लेकर के भी आज मंथन होगा? नामों के लेकर कोई मंथन नहीं होगा, सिर्फ व्यवस्थाओं को लेकर मंथन होगा। कैलाश जी, लगातार आंदोलन चल रहा है, मैं बैठा हूँ, बना तो लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल से, देखते रहिए के क्या न्यूज़। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।